लेकिन अभी संदीप ने भी मेंशन किया कि 500 ऐसे इंडियंस हैं जिसमें बड़े फिल्म स्टार्स और कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि इस लिस्ट में शुमार हैं। प्रिसाइसली बताएंगे संदीप कौन कौन से नाम हैं? देखिए दीपाली, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये सूची जारी करी गई जिसमें बड़े लोगों के नाम रखे गए हैं, बॉलीवुड स्टार्स जिस जैसे आप देख भी रहे थे स्क्रीन पे। अभी अमिताभ बच्चन का नाम सबसे पहले इस लिस्ट में शुमार देखने को मिल रहा है। चार ऑफशोर शिपिंग कंपनियां हैं जिनमें वो डायरेक्टर के तौर पर पाए गए हैं और उस लिहाज से देखा जाए इनका नाम तो है ही है। और इंडिया में जो लिस्टेड कंपनी जहाँ पे इनका निवेश है उनमें इसका इंपैक्ट आज सेंटीमेंट वाइज देखने को मिला है। नितिन फायर, स्टैम्पिड कैपिटल, जस्ट डायल में ये होल्डिंग रखते हैं उनमें आप देखिए आज इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, या तो फिर ऊपरी स्तरों से फिसले शेयर या तो फिर लाल निशान में कामकाज देखने को मिल रहा है। ऐश्वर्या राय का नाम भी इसमें आ रहा है सामने, जिसमें इनके पिता, इनके माता, इनके भाई का नाम भी साफ तौर पर सामने आया है और इनका एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी से वास्ता रहा है जिसकी वजह से इस काउंटर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। समीर गहलोत जो कि इंडिया बुल ग्रुप के प्रमोटर हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। लंदन में इनके नाम 3 प्रॉपर्टीज हैं ऐसे कुछ इसमें खुलासा किया गया है। 4 ग्रुप कंपनीज हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट, हाउसिंग, सिक्योरिटीज और होलसेल सर्विसेज। इसका इंपैक्ट आप देखिए इन शेयरों में आज सेंटीमेंट वाइज साफ तौर पर देखने को मिला है। केपी सिंह जो कि डीएलएफ के प्रमोटर हैं उनका नाम भी इस लिस्ट में शुमार है जिसकी वजह से आप देखिए डीएलएफ में भी आज गिरावट का दौर देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आप देखें गौतम अदानी के जो बड़े भाई हैं विनोद अदानी उनका भी नाम इस लिस्ट में शुमार है जिसकी वजह से अदानी ग्रुप में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ अच्छी खबरें इस ग्रुप को लेकर आई थी जिसकी वजह से हर इंसान में कामकाज करें लेकिन ऊपरी स्तरों से जरूर प्रेशर इन कंपनीज में साफ तौर पर देखने को मिला है। गढ़वाले परिवार इसका नाम भी इस लिस्ट में शुमार किया गया है जिसमें कुछ एक ऑफशोर कंपनी है रॉन्डोर ऑफशोर ओवरसीज इसमें इनका निवेश बताया गया है जिसकी वजह से गढ़वाले वॉलरोप्स इसमें देखिए करीब 5 रुपए के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और आखिर में ओंकार कवर जो कि अपोलो ग्रुप के चेयरमैन है इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जिसका खुलासा किया गया है। अपोलो टायर्स में आप देखिए इसका सेंटीमेंट वाइज इंपैक्ट साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल असर दिख रहा है इन सभी शेयरों पर और कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके नाम इस सूची में शामिल है, फिर चाहे वो डीएलएफ के केपी सिंह हो, समीर गहलोत हो, इंडिया बुल्स ग्रुप के या फिर अपोलो ग्रुप के भी बात की संदीप ने। लेकिन कुछ देर पहले इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल से भी हमने बातचीत की थी, उनका कहना है कि जो रिपरकशंस हैं इस पूरे ही डेवलपमेंट के वो काफी सीरियस हो सकते हैं, जो परिणाम हो सकते हैं उसमें जेल में सजा, जेल भी हो सकती है, साथ ही साथ हैवी फाइन्स भी लगाए जा सकते हैं और शायद ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है तो सबको पनिश करना शायद आसान ना हो सरकार के लिए, ऐसे में शायद उनको दोबारा से एसेट घोषित करने के लिए समय दे दे। क्या कहा मिस्टर ओसवाल ने, सुन लेते हैं। तो बिल्कुल गंभीर है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर भी चेतावनी दी थी और एमनेस्टी स्कीम की निकाली थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉरेन में असेट थे और वो यदि इंडिया में डिस्क्लोज नहीं है तो एक अपॉर्चुनिटी दी थी 3 महीने की जिसमें डिस्क्लोजर करके आप अपने आप को सब पापों से बरी कर सकते थे, परंतु अभी लोगों ने जिसने भी एडवांटेज नहीं दिया है तो वो सब अभी खबल में आएंगे। यदि ब्लैक मनी एक्ट लग जाता है आज की तारीख में तो 120% टैक्स लगेगा और जेल भी जाएगी। ये जो नाम आप सब कह रहे हैं ये नाम है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दूसरी स्कीम निकालेगी और वो सेकंड स्कीम में एक और अपॉर्चुनिटी देगी भाई जिन्होंने अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं किया है। एडिशनल टैक्स अभी पहले 60% टैक्स था, शायद हो सकता है टैक्स बढ़ा दे और एक अपॉर्चुनिटी दे देगी कि आप टैक्स भर दीजिए और हम प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। तो आपने सुना मिस्टर ओसवाल को जो कह रहे थे कि हो सकता है कि मौका दे दिया जाए इनको अपने अनडिक्लेयर्ड जो एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन इंडस्ट्री का रिएक्शन क्या है वो भी सुन लेते हैं। दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल देयर आई एम टोल्ड, 1 वेयर द मनी इज लेजिटिमेट, द सेकंड where it may not be technically legitimate but they've sent it under this government scheme of $250,000 this and that and maybe they have informed the RBI or not, I don't know, and third is which is downright illegal bag money and those guys should better be punished and sent to jail. नहीं देखिए देखिए अगर इस illegal money कानून जरूर बदलने नहीं चाहिए, जो जो हो अगर वो illegally money पार्क किया बाहर उसका वो फेस करना ही पड़ेगा, लॉ फेस करना पड़ेगा, कानून कभी नहीं बदलना चाहिए, कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए, बिकॉज इफ यू हैव डन समथिंग इलीगल यू हैव टू पे फॉर इट, देयर इज नो एस्केप। जी बिल्कुल, इनफैक्ट सुनील व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस पनामा पेपर्स, लार्जली एक बड़ा खुलासा टैक्स को लेकर, इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है, जो स्टॉक संदीप ने भी हाईलाइट किए थे इन टर्म्स ऑफ डीएलएफ और बीट इन टर्म्स ऑफ गरवारे एंड 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 द अदर स्टॉक्स एज वेल, आपको क्या लगता है कि कितना लार्जर कंसर्न्स रहेगा इन स्टॉक्स पर गोइंग फॉरवर्ड? देखिए ये सब चीज़ों पे बोलना बहुत डिफिकल्ट है, हमने पहले पास्ट में भी ऐसे कई इवेंट देखे हैं जैसे कि आपने कहा कि पहले भी ऐसे कई पेपर आए थे जिनमें बहुत सारे नाम आए थे,
बट आज तक अभी तक उनका कुछ भी नहीं हो पाया और आई थिंक पीपल डोंट रिमेम्बर दैट ऑल्सो. तो इस इवेंट के चक्कर में मुझे नहीं लगता है कि अगर मेरे पास में कोई इन्वेस्टमेंट है और मैं उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ले रखा हूँ तो उसे चेंज करना चाहिए. मुझे लगता है कि ये इवेंट है, एक इवेंट अगर कन्वर्ट होता है किसी मिजरेबल इंसिडेंट्स में तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा. वेट एंड वॉच मुझे लगता है कि देखना चाहिए कि आगे किस तरीके से डेवलपमेंट आते हैं, क्या प्रूफ आते हैं और किस पे कितना इम्पैक्ट और कौन गलत है या कौन सही है. जी चलिए, शुक्रिया आपका संदीप पूरी ही डिटेल्स बताने के लिए इस पैनामा पेपर लीक से जुड़ी हुई.